आराम कर रहे हो, ऐसे कैसे नौकरी मिल जाएगी? आराम तो करना ही नहीं है, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आराम करना पाप है। और अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर आराम जो शब्द है इसे साइड कर दो। जो सिलेक्शन लेना है, कुछ करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने अध्यापक का नाम रोशन करना है, तो भैया इस आराम को छोड़ दीजिए। और जब आपको थकान लगे तो बस एक काम कर लेना कि अपने माता पिता के आंखों में जो सपने आप लोगों ने सजोए हैं उनके बारे में एक बार बस आपने याद कर लेना है। आपको जितनी भी थकान लगी हो वो थकान पल भर में उतर जाएगी, क्योंकि आपके माता पिता की आंखों में जो सपने हैं और जो आपने खुद सजोए हैं कि पिताजी माताजी हम ये तैयारी कर रहे हैं, एक दिन हम भी ये वर्दी पहनेंगे, एक दिन हम भी जेई बनेंगे, एक दिन हम भी यही बनेंगे, तो ये सपने आप लोगों ने सजोए हैं, उन सपनों के बारे में एक बार अगर आप सोच लेंगे तो आप आराम करेंगे ही नहीं। और इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमें मोटिवेट करिए, उन सपनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा और उसे एक बार इमेजिन करके देखिएगा कि क्या सपने हैं वो। तो भैया आपको ना नींद आएगी, ना आपको भैया आपके शरीर में दर्द होगा, ना आराम करने के लिए आपका मन करेगा। आपका मन करेगा काम करने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ बन जाने का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। और इस दुनिया में सबसे लक्की इंसान वही है, सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिनके बच्चों ने अच्छे काम किए और उनका नाम रोशन कर दिया। जिसकी औलाद अच्छी उसके मान लिया ये कह दे है ना कि भैया अगर आपको आज की डेट में देखना है कारनामे तो बस ये देख लो कि जिसके बच्चे अच्छे उसके जन्म अच्छा, नहीं तो जिसके बच्चे खराब उसके जीवन खराब। आजकल ये है भाई, आजकल क्या पुराने जमाने से ही। तो अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता के लिए रात दिन एक कर देनी है। और बेटा जब आप फोन करके या जाकर ये खबर देंगे ना कि पिताजी और माताजी इस बार हम इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, अरे भैया इस दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन कोई पल होगा उस ड्यूरेशन के दौरान में, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन पलों में से एक पल वो होगा जब आप अपने घर में ये सूचना दोगे और अपने माता पिता को आप ये बताएंगे कि हम सेलेक्ट हो गए इस जगह पर, इस विभाग में हम सेलेक्ट हो गए। तो इसीलिए कहता हूं आराम को त्याग दीजिए, आराम नहीं करना है। आराम करना पाप है, आराम नहीं करना है, मेहनत करो, मेहनत करो और सिर्फ मेहनत करो। ये बता दूं आप लोगों को कि कुछ बच्चों ने अपनी ऐसी मेंटलिटी सेट की हुई है कि जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ेंगे। जी नहीं, जब फॉर्म आता है तब रिवीजन किया जाता है, कंटेंट को पढ़ा नहीं जाता उस समय। उस समय रिवीजन किया जाता है, उस समय समझने का टाइम नहीं है। जो अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए एक टाइम जरूरी है। तो पेशेंस फुली अपने चीजों को शुरुआत करो और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अपने अच्छे लेवल को प्राप्त करिएगा। एक दिन में लेवल को प्राप्त नहीं कर सकते, तो धीरे 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 अपना पेशेंस रखिए। आज सीखिए, कल सीखिए, परसों सीखिए, सीखते सीखते एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस समय के दौरान में आपको सफलता प्राप्त हो गई। बेटा